it's absolutely ridiculous that such a theocratic tyrant will lecture anybody in the world looking for a day in which Iranians will be free. And this is what we have to concentrate on. भारत में इजराइल के नए राजदूत रेउवेन अजार ने ईरानी नेता को टैग करके लिखा है कि खामेनेई तुम अपने ही लोगों के हत्यारे हो, उनका दमन करने वाले हो। इजराइल, भारत और सभी लोकतांत्रिक देशों में मुस्लिम पूरी स्वतंत्रता के साथ रहते हैं, लेकिन ईरान में ही मुसलमानों का दमन होता है। इस टाइम इंडिया की बात, कोई भी बात वो करता है उसकी वैल्यू होती है, कि कोई भी वो पॉलिसी करता है अपना सामने डिक्लेयर करता है तो उसकी वैल्यू होती है। क्या वजह है कि हर फील्ड में वो इक्वल लेवल पे ग्रो कर रहा है। इजराइल जब हमला करता है तो पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट को खत्म कर देता है। क्या उखाड़ लेता है? पूरे के पूरे डिप्लोमेट्स को उखाड़ देता है। 18 आर्मी ऑफिसर्स को एक मिसाइल अटैक में निपटा देने वाला इजराइल, ईरान कहां ठहरता है? बस ये है, ढोल ज्यादा मचाता है, बजाता है, शोर ज्यादा मचाता है। ईरान कहां से बदला लेगा? मैं एक सवाल सोचता हूं, ईरान कहां से बदला लेगा? नहीं ले सकता बदला। तभी तो 80 लाख की पॉपुलेशन 100 करोड़ के बीच में लठ गाड़ के खड़ी हुई है और किसी की औकात नहीं आंख उठाकर देख ले। अरब वर्ल्ड तो घुटनों के बल आ चुका है। इंडिया मेरे ख्याल से 4 बार या 5 बार यूनाइटेड नेशन में इसराइल के खिलाफ वोट दिया इंडिया ने। 3 बार ऐसे यार, ये ऑथेंटिक न्यूज़ है जोन साहब, वो आप ये जरूर चलाइएगा। अच्छा, इसराइल के खिलाफ क्यों वोट दिया था? कि इसराइल उस टाइम फलस्तीन के बच्चों के साथ ज्यादती कर रहा था, औरतों के साथ ज्यादती कर रहा था, राइट की अगर वायलेशन हो रही थी तो उस टाइम इंडिया खड़ा हुआ, उसने वोट दिया। आज इंडिया इसराइल के साथ खड़ा हुआ। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर ने इंडिया के बारे में गलत बोला कि वहाँ के मुसलमानों की स्थिति ख़राब है या इस पर मुसलमानों के साथ गलत किया जा रहा है। इस पर अब इंडिया का ऑल वेदर दोस्त इसराइल सामने आया है, उसने जमकर लताड़ लगाई है इसराइल को। बोला है कि तुम कैसे लेक्चर दे सकते हो दुनिया में किसी को, जब तुम्हारी खुद की हालत इतनी ख़राब है, तुम मानवाधिकार की रैंकिंग में इतने नीचे गिर गए हो और तुम इंडिया को लेक्चर दे रहे हो जिसके जो मानवाधिकार के रैंकिंग में तुमसे बहुत ऊपर है। और हम जानते हैं कि इंडिया अपने अपने लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, उनको अच्छा ट्रीट करता है। और दोस्तों, ईरान को धमकी दे डाली है कि इंडिया के खिलाफ बोलना जो है वो आप बंद करो। इससे जो है पाकिस्तानी अब बहुत बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इसराइल अगर सामने आता है तो पाकिस्तानियों की वैसे ही थोड़ी हालत टाइट हो जाती है, और इंडिया के सपोर्ट में आ जाता है तो उनको लगता है कि, क्योंकि वैसे ही पाकिस्तानी रोते रहते हैं कि इंडिया और इसराइल की बहुत अच्छी दोस्ती है और इंडिया जो है वो इसराइल का ऑल टाइम फ्रेंड है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन दे रहा है, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कहना चाह रहा है। खेल डर का है गायत्री जी, डर बिठाया इसने इसराइल ने कि जो तुम्हारे अंदर बेटा उतावलापन था ना, अब तुम्हारे देश के लोग तुमसे पूछेंगे तुमने लड़ने के अलावा किया क्या, और इसराइल पिद्दे से देश के सामने तुम खड़े क्यों नहीं हो पा रहे। टेक्नोलॉजी में इसराइल के कसीदे कई बार पढ़ता हूं। कैन यू इमेजिन रशिया का MiG-21 सद्दाम हुसैन की एयरफोर्स से छीन के ले आए? सद्दाम हुसैन की एयरफोर्स से MiG-21 उसकी फ्लीट के उसके एयरबेस से चोरी करके ले आए और उसको सारा सीख लिया कि MiG-21 की प्लस क्या है, माइनस क्या है। सोच कर देखिए, मतलब ऐसे ऐसे ऑपरेशन बुद्धि चाहिए वो ये लोग लगाते हैं ज्यूज। और यह तभी तो 80 लाख की पॉपुलेशन 100 करोड़ के बीच में लठ गाड़ के खड़ी हुई है और किसी की औकात नहीं आंख उठाकर देख ले। अरब वर्ल्ड तो घुटनों के बल आ चुका है। ईरान इसलिए लड़ रहा है क्योंकि अपनी लड़ाई उसको चाहिए, अदरवाइज वो कलैप्स कर जाएगा, वरना किसी की हिम्मत, टर्की जैसा कंट्री की हिम्मत नहीं है, इजिप्ट की हिम्मत नहीं है, सऊदी अरेबिया की हिम्मत नहीं है जी। सऊदी अरेबिया नहीं, आई थिंक सऊदी अरेबिया सरेंडर कर चुका है ट्रंप के आने के बाद में, आप्रमिक रिकॉर्ड अकॉर्ड के बाद में, नॉट रिकॉर्ड सॉरी के बाद में सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में रिश्ते तकरीबन ठीक ठीक हो रहे थे और अभी भी सो है, दे आर नॉट बैड राइट। 7 अक्टूबर के बाद इंटरनली तो बहुत अच्छे हैं, इंटरनली तो बहुत अच्छे हैं गायत्री जी, इंटरनली तो सऊदी अरेबिया को डर लगता है। इसका क्रेडिट आई थिंक ट्रंप को देना चाहिए, बिकॉज ट्रंप ने रियली ही वर्कड हार्ड कि दोनों के बीच में रिश्ते, और सऊदी अरेबिया को भी समझ में आने लग गया कि क्या गेम खेल रहा है पता लोग राज्य, हाँ जो भी वो खेल रहा है वो उनको भी समझ में आने लग गया। सो दे एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू डिसोसिएट फ्रॉम डॉलर्स, क्योंकि एंड ऑफ द डे उनको भी नुकसान हो ही रहा है कहीं ना कहीं। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, सऊदी अरेबिया और इसराइल के बीच में रिश्ते ठीक ठाक है, तो व्हाई वुड इसराइल डू एनीथिंग टू देम? बट ईरान,
ईरान बहुत आंखें दिखा रहा था, इनके साइंटिस्ट को मार दिया तब भी नहीं माना, इनके लोगों को मार दिया तब भी नहीं माना, मतलब राष्ट्रपति को मार दिया तब देखो ना, औकात तो तब दिखाई जब रईसी के चॉपर को, अब देखो अब माने या ना माने, अब जी क्रैश हुआ, क्रैश करवाया, अगर तो क्रैश हुआ तो अल्लाह की नजर सही नहीं थी, और अगर क्रैश इसराइल ने करवाया तो भाई साहब रईसी की धज्जियां उड़ाने वाला भी यही था। तो इसका मतलब दोनों चीजों में कुछ तो सोचो, राष्ट्रपति को मारने का मतलब समझ लो आपके पूरे जो पूरी की पूरी आर्मी को लीड कर रहा था, सबसे पहले वो सुलेमानी नाम के कैप्टन को मारा, उसके बाद रईसी को मारा, अल्टीमेटली है क्या। और उससे अच्छा उससे बड़ी बेशर्मी की बात पता है क्या गायत्री जी, सबसे बड़ी बेशर्मी की बात ये कि जब ईरान ने इसराइल पे मिसाइलें छोड़ी ना, ठीक है, तो जॉर्डन से लेकर सऊदी अरेबिया से लेकर कुवैत से लेकर सारे के सारे उन मिसाइलों को गिराने में लगे हुए थे, 300 से ज्यादा मिसाइलें छोड़ी, 7 पहुंची, बस 7 जमीन को टच कर पाई 300 से। तो आप प्रिसीजन देखना कितना ज्यादा बेकार है कि 2% भी पूरी नहीं जा पाई, और नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं किया, एक बच्चा बाहर खेल रहा था वो एक्सपायर हुआ है, वरना कुछ नहीं हुआ। और वहीं ईरान जब इसराइल जब हमला करता है तो पूरे न्यूक्लियर पावर प्लांट को खत्म कर देता है, क्या उखाड़ देता है, पूरे के पूरे डिप्लोमेट्स को उखाड़ देता है, 18 आर्मी ऑफिसर्स को एक मिसाइल अटैक में निपटा देने वाला इसराइल, ईरान कहां ठहरता है। बस ये है, ढोल ज्यादा मचाता है बजाता है, शोर ज्यादा मचाता है, एक मिसाइल अगर इसराइल की जमीन तक पहुंच जाए तो मान जाए। और वो जो हाइपरसोनिक मिसाइल है वो रशियन मिसाइल थी, ईरान और इसके बस की तो बात भी नहीं है, और अगर पहुंच भी गई तो इनके साथ में जो खड़े हुए हैं वो चाइना और रशिया हैं, और अल्टीमेटली ये जो वॉर स्पिल ओवर हो रहा है वो चाइना और रशिया की तरफ हो रहा है, और इसी चीज को हमें समझना होगा कि अल्टीमेटली हम कहां खड़े हुए हैं। राइट, एक मीना गोदी जी कह रहे हैं, बम फोड़ने वाले बम से डरने लगे, ये डर अच्छा है, बिल्कुल ये डर अच्छा है, मतलब आई थिंक दिस इज अच्छा, पीपल वांट दिस टेक्नोलॉजी टू बी यूज्ड बाय भारत आल्सो, वैसे भी, पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे पागलों को मारने की इजाजत नहीं है, सो स्मार्टफोन्स इंटरकॉम क्रिप्टो डिवाइसेस watches smartphones also explode okay I don't know what अच्छा p gurus okay fine understood। दोस्तों पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है, कहां से आते हैं ऐसे लोग, ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं, कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।